कैसे हो? आपसे भी उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो चलिए गाइस आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अभी सुबह का 9 बज रहा है और आज बहुत ही प्यारा मौसम किया, मतलब ठंडा ठंडा हवा चल रहा है। आप सभी को मैं दिखाती हूँ, ये देखिए गाइस बाहर में कितना खतरनाक हवा चल रहा है। आज भोर से ही बहुत ही तेज हवा कर रहा है। जो आम फला था छोटा छोटा वो पूरा झड़ गया। आज तो मेरा नींद हवा की आवाज से खुल गया। ये देखिए गाइस बाहर में कितना ज्यादा कचड़ा हो गया है हवा की वजह से। तो मैं यहाँ को अच्छे से झाड़ू लगा देती हूँ और लगता है आज बारिश भी होगा। इतना ज्यादा हवा तूफान हो रहा है, कहीं पेड़ वेड़ ना गिर जाए। आज का मौसम लेकिन बहुत ठंडा ठंडा है। तो गई सब मैं जा रही हूँ पपीता तोड़ने के लिए। मैं पेड़ में एक पका वाला पपीता देखी थी। और गई इधर बच्चे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, चलिए मैं भी थोड़ा सा खेल लेती हूँ। धोनी भैया आपका बैट मिल सकता है क्या आज के लिए? अरे अरे यार ये ले। ये गेंद गई है फलक में। गाइस मेरे को क्रिकेट खेलना तो नहीं आता लेकिन खेल के अच्छा लगा। चलिए अब पपीता को पेड़ से तोड़ लेते हैं। ये देखिए गाइस पपीता नीचे गिर गया है। गाइस इस पेड़ का पपीता सच में बहुत ही ज्यादा मीठा रहता है, मजा आ जाता है खाने में। चलिए इसको छील के कट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद खाऊंगी। अम्मी तो अभी सो रही है क्योंकि उनको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है आज। पपीता तो अच्छे से नहीं पका है लेकिन ऐसा ही अच्छा लगता है मेरे को खाने में। गाइस कल रात को मैं उड़द का दाल को पानी में फुलो के रख दी थी, तो दाल अच्छे से फूल गया है तो मैं इसको अभी पीस लेती हूँ। आज मैं पहली बार बनाने वाली हूँ दही वड़ा। तो गाइस दाल को अच्छे से चिकना पीस लेती हूँ। हवे की वजह से तो लाइट नहीं था, सुबह से अभी अभी आया है। तो गाइस उड़द का दाल को अच्छे से मैं चिकना पीस चुकी हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा नमक डाल के अच्छे से फेंट लेती हूँ। इसको 10-15 मिनट अच्छे से फेंटूंगी ताकि क्रीम की जैसा हो जाए, क्योंकि गाइस इसको जितना फेंटेंगे उतना अच्छा फूलेगा वड़ा और खाने में भी मजेदार बनेगा। गाइस ये देखिए बाहर में बारिश भी स्टार्ट हो गया। आज लगता है दिन भर ऐसे ही मौसम रहेगा। तो चलिए गाइस कढ़ाई में तेल को अच्छे से गर्म करके वड़ा को छानना स्टार्ट करते हैं। आज दही वड़ा का पार्टी दूंगी सबको, बड़ा मजा आएगा। गाइस तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब चलिए छानना स्टार्ट करते हैं। मेरे भैया भी मेरी हेल्प कर दे रहे हैं दही वड़ा बनाने के लिए। वड़ा को फुलाने के लिए मैं पानी में नमक को अच्छे से घोल लेती हूँ। ये देखिए गाइस वड़ा भी कितने अच्छे तरीके से छना चुका है, कितना अच्छा दिख रहा है। इसी तरीके से मैं सबको छान लेती हूँ। मस्त एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट वड़ा बना है और मस्त फूला भी है। तो गई सारा वड़ा छना चुका है, अब मैं इसको पानी में डाल देती हूँ फूलने के लिए। ज्यादा नहीं 10-15 मिनट के लिए मैं इसको फूलने के लिए छोड़ दूंगी। गाइस आप सभी को दही वड़ा पसंद है या नहीं मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरे को तो बहुत ही ज्यादा पसंद है, मैं बड़े चाव से खाती हूँ। तो इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। अब दही और शक्कर को अच्छे से घोल लेते हैं। शक्कर ज्यादा नहीं डालूंगी, स्वाद अनुसार ही डालूंगी। तो चलिए गाइस इसको भी अच्छे से क्रीम की तरह फेंट लेते हैं, तब तक से वड़े भी अच्छे से फूल जाएंगे। तो चलिए गाइस अब देखते हैं वड़ा अच्छे से फूला या नहीं। गाइस वड़ा अच्छे से फूल चुका है, इसको पानी में से अच्छे से निचोड़ के अलग कर लेते हैं। इसको हल्का हल्का ही निचोड़ेंगे, ज्यादा जोर नहीं लगाएंगे। गाइस वड़ा भी रेडी है, चटनी भी रेडी है और दही भी रेडी है। तो चलिए गाइस दही वड़ा बनाते हैं, फिर सभी लोग मस्त मिल के खाएंगे। ये देखिए दही को भी मैं कितने अच्छे तरीके से फेंट चुकी हूँ। अब वड़े के ऊपर दही को अच्छे से डाल लेंगे। और गाइस मैं इमली और खजूर का चटनी बनाई हूँ, दही को अच्छे से डाल लेती हूँ, फिर उसके बाद चटनी को डालूंगी। गाइस मैं इसमें जीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर हल्का हल्का डाल देती हूँ और कटे हुए धनिया पत्ती भी। ये देखिए गाइस कितना टेस्टी बना है दही वड़ा, अब चलिए सभी लोगों को खाने के लिए दे देती हूँ। ये देखिए नानी मामी सभी बच्चे लोग आ चुके हैं दही वड़ा का पार्टी करने के लिए। आप भी आइए गाइस दही वड़ा का पार्टी करने के लिए। चलिए अब बिस्मिल्ला करते हैं और बताते हैं आप सभी को कि कैसा बना है।
गाइस दही वड़ा तो सच में बहुत ही ज्यादा टेस्टी बना है, सबको पसंद आया मेरे हाथों का दही वड़ा। आज मैं पहली बार बनाई थी और सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आया, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। सो गाइस दही वड़ा खा के बहुत ही ज्यादा मजा आया, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बना था और सभी लोग खा के घर चले भी गए हैं। और उस दिन जो मैं बगीचा से इमली लेके आई थी उसको जा रही हूँ मैं अब नमक मिर्च करके डब्बे में अच्छे से पैक कर दूंगी। गाइस अम्मी पूरा इमली का छिलका को निकाल के रख दी थी तो प्लास्टिक में रहेगा तो खराब हो जाएगा, इसलिए मैं अच्छे से इसको डब्बे में डाल देती हूँ नमक मिर्च करके। गाइस बगीचे में जितना भी इमली फला हुआ था पूरा झड़ गया, बहुत ही ज्यादा इस बार इमली फला हुआ था। मामी लोग भी इसी तरीके से रख दिए हैं डब्बा में, क्योंकि डब्बे में रख देने से इमली को कुछ नहीं होता है, अच्छे से रहता है। चलिए गाइस अब मैं चलती हूँ, जितने भी गंदे बर्तन हैं उसको मैं जा रही हूँ अब धो देती हूँ। मैं तालाब के पास ही धोऊंगी क्योंकि आज बर्तन बहुत ही ज़्यादा है। ये देखिए कितना ज़्यादा बर्तन है, चलिए अब इसको फटाफट धो लेते हैं। अम्मी बोल रही कि दे मैं मांस देती हूँ और तू धोते जाना। तो गाइस मामी गन्ना लेके आई है तो मैं जा रही हूँ अभी इसको तालाब के पास लगा देती हूँ। मामी तो खाने के लिए लाई थी लेकिन मैं मामी को बोली कि मामी एक गन्ना को दीजिएगा मैं तालाब के पास लगाऊंगी। गाइस ये गन्ना बहुत ही ज़्यादा मीठा है, मैं इसको यहीं पर लगा देती हूँ, मस्त बड़ा बड़ा होगा। इसको सीधा सीधा नहीं लगाते हैं, बस ऐसे ही रख देते हैं। और गाइस इसको मिट्टी में ढक देंगे, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है गन्ना लगाना। और गाइस अभी बारिश भी रुक गया है, इससे पहले हल्का हल्का बारिश हो रहा था और अभी बहुत ही अच्छा मौसम लग रहा है, ठंडा ठंडा। गाइस इधर अब्बू से अम्मी बातें कर रही है फोन पर। तो गाइस अब मैं जा रही हूँ दाल को चुनने के लिए, अम्मी भूंज दी है, इसमें बहुत ही ज़्यादा कंकड़ है, इसको अच्छे से चुनना पड़ेगा। फिर अम्मी इसको चक्की में अच्छे से दरर देगी। और टंकी में भी आज पानी खत्म हो गया है तो इसको चुन लेती हूँ, फिर उसके बाद टंकी में पानी भरूंगी क्योंकि गाइस आज लाइट बहुत ही ज़्यादा कट रहा है। तो गाइस अम्मी दाल को लेके चली गई है दररने के लिए नानी के यहाँ, मैं भी पाइप को जोड़ लेती हूँ फिर उसके बाद नानी घर जाऊंगी बोर को चालू करने के लिए। गाइस मैं पाइप को अच्छे से बांध दी हूँ, चलिए अब बोर को चालू कर देती हूँ। और अम्मी इधर दाल को दरर रही है चक्की में, ये वाला चक्की में दाल को दररने में बहुत मजा आता है, सारे दाल अच्छे से अलग अलग हो जाते हैं बीच से। ये देखिए गाइस कितने अच्छे तरीके से दाल निकल रहे हैं। सो गाइस आज का वीडियो यही तरह रखती हूँ, आई होप आप सभी को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़, बाय।